हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हमारी जो खबर है बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पोर्टेंट है और एक तरह से बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। ठीक है, खबर है हमारी बिहार स्टेट से। ठीक है, तो खबर आपके पीछे ही है, देख लेते हैं क्या खबर है। सब लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और भी कुछ अहम बातें करनी है हमें लास्ट में, तो वो भी देख लीजिएगा। तो शुरुआत है कि एसटेट परीक्षा से जुड़ी खबर है, बिहार स्टेट से जुड़ी हुई खबर है कि 20 मई से शुरू हो सकती है एसटेट की परीक्षा। ठीक, एक एक खबर को आराम से पढ़ते जाइएगा और देखते जाइएगा। 20 मई से शुरू हो सकती है एसटेट की परीक्षा, आचार संहिता का परीक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ एक है कि परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद है 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप। 20 मई से आपकी स्टार्ट हो सकती है परीक्षा, 29 मई से और 4 जून तक बीच में रखा जाएगा गैप, कोई चुनाव की वजह से, चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों तक बीच में नहीं होगी परीक्षा, एक बात यह है। 15 मई तक परीक्षा तिथि की हो सकती है घोषणा, एक ये चीज देखिए। ठीक है, अब इसके बाद है आपकी आगे की खबर देख लीजिए। 15 मई तक इन्होंने बताया है, जब परीक्षा हो जाएगी तो 15 मई तक घोषणा कर देंगे ये लोग। ठीक है, परीक्षा तिथि की। और इसके बाद है परीक्षा में कुल 6,00,000 अभ्यर्थी होंगे, ये एक डाटा निकाला है इन्होंने कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, हमने तो खाली हमारा फॉर्म भरा है, हमें तो हमें पता, हमारा पता है कि हमने हमारा फॉर्म भरा है, लेकिन टोटल एवरेज पूरे बिहार में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो लगभग 6,00,000 अभ्यर्थियों ने इस बार फॉर्म भरे हैं। ठीक, विषयवार परीक्षा लेने में कम से कम 20 दिन लग सकते हैं। ठीक है, एसटेट में हर तरह के विषय हैं आपके, होम साइंस भी है, साइंस भी है, मैथ है, और भी कई तरह के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनकी सबकी परीक्षाओं लेने में कम से कम 20 दिन का समय लेंगे ये लोग। और 3.0, ठीक है, इसके विज्ञापन से पहले हर हाल में जारी हो जाएगा रिजल्ट। जब भी आपका 4.0 वाली परीक्षा ये लोग हमें देंगे, विज्ञापन देंगे उस परीक्षा का, उससे पहले पहले 3.0 की परीक्षाओं को करा भी लिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही 4.0 का विज्ञापन आएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि 4.0 आएगा, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे 5.0 की भी बात करी है, वो देखो कैसे कहाँ करी है। देखो, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 4.0 में हो सकेंगे शामिल। ठीक है, जो पास कर लेंगे वो 4.0 का एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके बाद है साल के अंत तक 3.5 यानी 5.0 लेने का भी शिक्षा विभाग की ओर से आयोग का लक्ष्य है। ठीक है, ये 3.0 में जिसने भी एसटेट क्लियर करा उसको 4.0 देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक इनका कहना है कि साल के लास्ट में ये हो सकता है, कोशिश पूरी करेंगे, हो सकता है कि आपका 5.0 भी कंडक्ट करा लिया जाए। ठीक है, मतलब मई वाला महीना जो है आपका, ये पूरा आपका एसटेट एग्जाम के लिए जाएगा। ठीक है, 20 मई से इन्होंने स्टार्टिंग की बात करी है, 20 मई से बीच में 5-6 दिन ये लोग गैप भी रखेंगे चुनाव की वजह से, और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है आपके सामने ही है। ठीक है, अब देखो ये न्यूज है, लेकिन आई कहाँ से, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये न्यूज जो है आई कहाँ से। तो ये न्यूज देखो, यहाँ पे एक नाम लिखा है, आप देखिएगा, रजनीश कुमार। ठीक, एक नाम लिखा है रजनीश कुमार, ये कौन है? ये बिहार के एक पत्रकार हैं, अच्छे खासे पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं। ठीक है, इनका एक चैनल है ट्विटर पे, उस ट्विटर से हमें ये खबर मिली है। हम जो भी खबर होती है कुछ ऐसे सूत्रों से पता लगाते हैं जहाँ पे हो सकता है कि ऐसा होगा, मतलब पूरे पूरे चांस होते हैं कि वैसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये खबर भी कुछ उसी टाइप की है, जो मई का महीना आपका पूरा स्टेट एग्जाम में जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, लगभग जल्दी आ जाएगा। तो रजनीश कुमार जो है, इनके चैनल से ये खबर निकाली गई है ना, ट्विटर का चैनल है इनका, काफ़ी फेमस है, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरें डालते रहते हैं, राजनीति मुद्दों से भी डालते हैं। ठीक, अब देखो ये सारी खबर थी और बहुत अच्छी खबर है, अगर इतनी जल्दी हो जाता है तो एक ही साल में 3-3 परीक्षाओं का प्रावधान मिल जाएगा हम लोगों को। 3.0 तो हो ही रहा है, 4.0 का भी इन्होंने रख ही दिया है कि 3.0 का रिजल्ट भी दे देंगे 4.0 कराने से पहले पहले, और साल के लास्ट में हमारे को 5.0 की भी सौगात देने की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये है सारी की सारी खबर आपकी। और देखो, अगर आपको बिहार एस्टेट में आर्ट ऑफ टीचिंग का एक पार्ट है आपका, वो देख लीजिएगा,
कि बिहार स्टेट में ये आर्ट ऑफ टीचिंग का एक पार्ट है आपका, जो कि 30 नंबर का होता है, टोटल 30 नंबर आते हैं इसमें, लगभग 12 से 13 टॉपिक है इसके अंदर। इसका एक प्री कोर्स बना रखा है, पूरा का पूरा सेपरेट कोर्स है, पूरा ओनली आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए ये सेपरेट कोर्स है, ठीक है। एस्टेट स्पेशल, एस्टेट स्पेशल इसी के लिए है ये कोर्स, ओनली 249 का है, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग के पूरे 30 नंबर आपको कवर कराए जाएंगे। अब देखो इसमें मिलेगा क्या क्या आपको, इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगी वो देख लो। इसमें आपको जो होगा एस्टेट का एग्ज़ाम है, एस्टेट है, इसमें आपको तीन चीज़ें मिलेगी। पहला मिलेगा आपको थ्योरी, और ये आपको एग्ज़ाम पास कराने में कैसे सहायक है वो भी बताएंगे भैया। दूसरा आपका पीडीएफ, ठीक है, और तीसरा आपका पीवाईक्यू रहेगा मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट मॉडल पेपर रहेंगे उसमें, टोटल पीवाईक्यू के ऊपर रहेंगे वो सारे के सारे, है ना। जितनी भी परीक्षा हो चुकी है अभी तक उन सबसे रिलेटेड चीज़ें रहेगी। बिहार स्टेट में किस तरह का आपका पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन रखे जाते हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस होएगी, ठीक है। थ्योरी भी आपको टोटल उसी तरीके से पढ़ाई गई है जिस तरीके से आपका बिहार स्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिजिटल नोट्स रहेंगे उसके अंदर, बिल्कुल सरल और शुद्ध भाषा में एक बार में समझ में आ जाएगा। इसकी तैयारी करने में आपको कितना टाइम चाहिए, अगर आप तरीके से 2 घंटे निकाल के पढ़ते हैं तो केवल 1 महीना, केवल 1 मंथ चाहिए आपको बस पूरी कंप्लीट तैयारी करने में। आपका ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब खाली आपने पढ़ा नहीं है इसको, आपके दिमाग में भी बैठ गया 1 महीने के अंदर अंदर की ऐसी तैयारी है। इस पूरे प्री कोर्स है, स्पेशल आर्ट ऑफ टीचिंग का कोर्स है, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, ये नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी खबरों पर हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ पर। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तो जय हिंद, जय भारत।